उधम सिंह नगर जनपद के नानकमत्ता थाना पुलिस के द्वारा नानकमत्ता डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या में शामिल तीन और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि नानकमत्ता डेरा कार सेवा के जत्थेदार बाबा तरसेम सिंह की 28 मार्च को दो बाइक सवार शूटरों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस की टीमों को लगातार हत्या का खुलासा करने के लिए कहा गया था और दो फरार शूटरों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। डेरा कार सेवा का हमारा प्रमुख जत्थेदार, मुख्य जत्थेदार श्री बाबा तरसेम जी का जो बर्बरता से हत्या हुई थी, इसमें ऑलरेडी हमने पूर्व के ब्रीफिंग में आपको अपडेट किया था, जिसमें हमने क्लियर किया था कि ये एक सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से कॉन्स्पिरेसी तरीके से असैसिनेशन किया गया है। तो इसमें ऑलरेडी पूर्व में हमने चार लोग जो षड्यंत्रकारी हैं और विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराने वाले लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, और आज इसी इन्वेस्टिगेशन में कड़ी से कड़ी मिलाते सीसीटीवी के माध्यम से हमने पूरी घटना को ट्रेस किया है, और इसमें मुख्य रूप से मतलब षड्यंत्रकारी में शामिल हुए जो शूटर्स को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने वाले एक और षड्यंत्रकारी जो पिछले 3 महीने से इस षड्यंत्र में शामिल था, वो है प्रगट सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो शूटर्स को वेपन दिलाने वाले दो लोग जो जसपाल और सोनू गिल, इन दोनों को भी हमने सीसीटीवी के माध्यम से ट्रेस करते हुए जो 17 मार्च को ही इनको वेपन उपलब्ध कराया गया था इन दोनों द्वारा,